हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। प्लीज लेट मी नो इफ माय वॉइस इज ऑडिबल स्टूडेंट्स, एंड आल्सो लेट मी नो इफ वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सो टुडे वी विल सी लॉजिकल रीजनिंग। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम लॉजिकल रीजनिंग। और सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल ने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, एक क्रैश कोर्स यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। बिकॉज लास्ट 10-20 डेज में आपको किस तरीके से पढ़ना है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारे इस क्रैश कोर्स से आपकी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होगी, क्योंकि यहाँ लेक्चर्स के साथ कंप्लीट नोट्स, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे हम। और हम गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे इस कोर्स से पढ़ते हैं, आप इजीली 75+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 में। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप या व्हाट्सएप करना हो इस नंबर पे। पेपर 1 के क्रैश कोर्स की फीस है 3500 पर, करंटली हम 30% ऑफ दे रहे हैं, तो आफ्टर डिस्काउंट ये फीस है 2450। ओके, इस ऐप को एक्सेस करने के लिए प्ले स्टोर पर आपको लिखना होगा ग्लोबल ऑनलाइन, फिर स्टोर सेक्शन में यहाँ ऊपर जाके लिखना होगा यूजीसी नेट। ये पहला कोर्स आपका क्रैश कोर्स है। यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक हियर टू सी ऑल कंटेंट पे क्लिक करके अंदर का कोर्स कंटेंट व्यू कर सकते हैं। ओके, लेट स्टार्ट विथ सेप्टेम्बर 2020 क्वेश्चन। डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम यूनिवर्स, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, या पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम, डिडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टूडेंट्स, डिडक्शन स्टार्ट होता है, आपको ये ट्रिक याद रखनी, डीजीपी और आईपीजी। डिडक्शन मतलब डिडक्शन जनरल टू पर्टिकुलर होता है। जनरल को आप यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, तो क्या होगा, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। ओके, बी विल बी द आंसर। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लाइव, प्लीज आंसर करते जाइए। स्टूडेंट्स, आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ पेपर 1। गॉट इट? ये देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैनेट्स आर बिग, देयरफॉर द एटम्स फ्रॉम विच दे आर मेड आर बिग, दिस इन्फेरेंस कमिट्स विच काइंड ऑफ फैलेसी। तो जैसे आप जानते हैं, फैलेसीज दो टाइप की होती हैं लॉजिकल रीजनिंग में, या डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में दो टाइप की फैलेसीज होती हैं। एक तो आपकी होती है फॉर्मल फैलेसी, एक है आपकी इनफॉर्मल फैलेसी। तो फॉर्मल फैलेसी आपकी किसी भी आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर या फॉर्म पर डिपेंड करती है, और इनफॉर्मल आपकी कंटेंट पर डिपेंड करती है। तो ये जो सारी फैलेसीज आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारी हैं इनफॉर्मल फैलेसीज। ओके, तो अगर हम इनफॉर्मल फैलेसीज, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी इनफॉर्मल फैलेसी फॉलो हो रही है। अगर एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि प्लैनेट्स बहुत बड़े होते हैं, प्लैनेट्स आर बिग, देयरफॉर द एटम्स, यानी जिन एटम, छोटे छोटे एटम्स से, बहुत ही माइक्रो, ऐसे छोटे एटम जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते, उन एटम से बनी होती है, तो वो भी बहुत बड़े हैं। यहाँ पे जो फैलेसी फॉलो हो रही है वो फैलेसी है, फैलेसी ऑफ डिवीजन। ओके, क्या हो रही है, फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ, एक होता है फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, ओके, ये भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट फैलेसीज है सारी की सारी। फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी आपकी, जब आपको मीनिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, क्या होता है, मीनिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो होती है फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन वो होती है जब वो वर्ड्स यूज होते हैं जिनके सेम मीनिंग होता है।
जहां सेंटेंस के एक साइड एक वर्ड का एक मीनिंग है और दूसरे साइड दूसरा, ठीक है? फिर आपका आता है एड पॉपुलम। एड पॉपुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैलेसी है। इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई काम सब लोग करें तो जरूरी नहीं है वो काम सही हो। यहाँ पे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्या किया जाएगा एग्जाम में, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सी फैलेसी फॉलो हो रही है, तो आपको सारी फैलेसीज के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेंटेंस सम मेन आर नॉट मैरिड। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए ये जो मेन है ना, यहाँ पे ये मेन है आपका सब्जेक्ट और ये जो मैरिड है ये हुआ आपका प्रेडिकेट। ओके तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे आपको पता है कि AEIO चार स्टेटमेंट्स होते हैं आपके, ए स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट, आई और ओ। कहाँ पे आपकी सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या कहाँ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से आपको बताया गया है। तो उसके हिसाब से आपको बताना है सम मैन आर नॉट मैरिड, इसमें क्या सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड है या दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसका एक टेबल है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, फिर आप ऐसे क्वेश्चन इजीली बता पाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है देखिए याद रखना है आपको। ऑल SSP यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टेटमेंट ई नो SSP, ओके नो SSP, यहाँ पे क्या है दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई स्टेटमेंट आई जो होता है सम SSP, यहाँ पे दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और स्टेटमेंट ओ इसमें सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके हैव यू स्टॉप टेलिंग लाई, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिट्स विच फैलेसी, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन या फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं बट कोई भी आंसर नहीं कर रहे, दिस इज नॉट राइट स्टूडेंट्स। आंसर जरूर करिए, आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव यू स्टॉप टेलिंग लाइज, विच काइंड ऑफ फैलेसी कमिट्स इज कमिटेड, यस गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जो फैलेसी कमिट हो रही है वो है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, वेरी गुड, ना फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, ना इक्विवोकेशन, ना फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट वो फैलेसी होती है जहां पे कुछ चीजें थंब रूल फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू ऑल बर्ड्स फ्लाई देयरफॉर पेंगुइन्स ऑल्सो फ्लाई, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पेंगुइन भी बर्ड हैं बट ये फ्लाइटलेस बर्ड हैं। तो ये क्या है, ये पेंगुइन एक ऐसी बर्ड है जो नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करती, तो ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। ओके फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, जब एम्बिग्युस मीनिंग हो जाता है, ये सब दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड है, मीनिंग से रिलेटेड है वर्ड के। राइट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेटर इन द लॉजिकल पैटर्न ओ TTFFSSEN-DASH is, यहां पे आपको कुछ सीरीज दी हुई है, यहां पे सीरीज दी है और इसको आपको बताना है नेक्स्ट टर्म क्या है।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आपको ऐसा लगेगा कि ओके पता नहीं ये क्या सीरीज दे दी है एग्जामिनर ने, पता नहीं बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीरीज दे दी, पर ऐसा नहीं है. ये देखिए, ओ टी टी एफ एफ एस एस ई एन. नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा? ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और यहाँ पे आएगा टेन. ये लास्ट लेटर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी, टेन. ओके, यहाँ पे ये नंबर्स लिखे थे विथ उनके फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेलिंग. ओके, एज फादर हैज आई हैज फाइव सन्स. नेम्स ऑफ फोर सन्स आर पी ओ क्यू एस. वॉट इज द नेम ऑफ फिफ्थ सन? ये भी आपका स्टूडेंट्स, ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट 2020. ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है. या यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है ए के फादर के फाइव सन हैं, तो फोर सन से पी ओ क्यू एस, तो यहाँ पे ए का नाम तो आया ही नहीं. ठीक है, ये जो पर्सन है इनके फाइव सन्स हैं, उनमें से एक का नाम ए है, बाकी नाम का नाम है एम ओ क्यू एस. राइट, ऑप्शन सी इज राइट. यस स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास यानी ग्लोबल ऑनलाइन के पास यूजीसी नेट पेपर टू के लिए भी कंप्लीट नोट्स एंड एमसीक्यूज अवेलेबल है इन सब्जेक्ट्स के लिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी लॉ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी. यहाँ पे फीस है 1500 पर, करेंटली हम 30% ऑफ दे रहे हैं, आफ्टर डिस्काउंट है 1050. ओके, तो आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये अमाउंट पे करने के बाद इमीडिएटली आपको सारा कंटेंट व्हाट्सएप पे दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउल फ्लाई, बेल चाइम, नाइफ कट, फार्मर्स क्रॉप. एनालॉजीज हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ एनालॉजीज हैं. डेयरी फार्मर मिल्क, स्नेक क्रॉल, थंडर रोल, स्वॉर्ड स्लॉटर. मैच करना है लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. ओके, ट्राई टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू. ओके स्टूडेंट्स, ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है.
यहाँ पे देखिए, आउल क्या करते हैं, आउल यूजुअली दे फ्लाई, ठीक है, दे फ्लाई. और स्नेक क्या करते हैं, स्नेक दे क्रॉल. बेल बेल क्या करती है, बेल चाइम्स. और थंडर करता है रोर. नाइफ करती है कट, और स्वर्ड करती है स्लॉटर. फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं, और डेयरी फार्मर्स मिल्क. इसका आंसर का 2, 3, 4, 1. ओके, डी इज द राइट आंसर. यस, सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, इफ ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, इफ ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल लुकिंग एट द सेंटर एंड बी इज B is just to the left of A. C is just to the then C is just right of B. ओके, एक्स वाई जेड आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल लुकिंग इन द सेंटर. एक्स इज जस्ट राइट ऑफ वाई, एक्स इज जस्ट राइट ऑफ वाई एंड जेड इज जस्ट राइट ऑफ एक्स. ओके, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है. देखिए स्टूडेंट्स, क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल लुकिंग एट द सेंटर, बी इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए. तो बी कहाँ है, ए के लेफ्ट में है. फिर मैं बोल रही हूँ सी इज जस्ट टू द राइट ऑफ बी. अगर ए के लेफ्ट में बी है तो बी के राइट में ए है. फिर दूसरा सेंटेंस सी इज टू द राइट ऑफ जस्ट राइट ऑफ बी तो गलत होगा ना, क्योंकि बी के राइट में तो ऑलरेडी ए है तो सी आ नहीं सकता, राइट. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा. और अगर सेम चीज मैं एक्स वाई जेड के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, बट यहाँ पे सेंटेंस लिखा है एक्स इज टू द राइट ऑफ वाई, एक्स क्या है वाई के राइट हैंड साइड पे है एंड जेड इज टू द राइट ऑफ एक्स, तो जेड क्या है एक्स के राइट पे है, तो ये स्टेटमेंट सही आ रहा है. ओके, डी इज राइट. क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट ए फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स हो रहा है, स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू हो रहा है. फ्रैट कृष्ण दत्ता आइदर रीड्स ड्यूरिंग द डे और नाइट. फ्रैट
फैट कृष्ण दत्ता ईट्स आइदर ड्यूरिंग द डे और नाइट. फैट कृष्ण दत्ता डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, देयरफॉर फैट कृष्ण दत्ता ईट्स ड्यूरिंग द नाइट. द अबव एग्जाम्पल इज विच टाइप ऑफ इन्फेरेंस? ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, इम्प्लीकेशन यानी अर्थपटी. ये मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है. बस एग्जाम में आपको कई बार डायरेक्ट ये नाम भी दे सकते, कृष्ण दत्ता, ठीक, देवदत्ता, सॉरी देवदत्ता फेमस एग्जाम्पल है कि देवदत्ता इज फैट, ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, देयरफॉर ही ईट्स ड्यूरिंग द नाइट. ओके उपमाना क्या होता है? कंपैरिजन होता है. वर्बल टेस्टिमनी शब्द है. नेगेशन अनुपलब्धि, बट यहाँ पे है इम्प्लीकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी प्ले फुटबॉल क्रिकेट एंड हॉकी, बी एंड सी प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन, सी एंड डी प्ले बैडमिंटन एंड टेनिस, डी एंड ए प्ले फुटबॉल क्रिकेट एंड टेनिस. फाइंड द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा बस गौर से इसको सॉल्व करना है. ए बी सी डी, ठीक है, ए एंड बी प्ले फुटबॉल क्रिकेट एंड हॉकी, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी, यहाँ पे भी आएगा फुटबॉल क्रिकेट हॉकी. बी एंड सी प्ले बैडमिंटन एंड हॉकी, यहाँ पे बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, यहाँ पे ये भी बैडमिंटन एंड हॉकी. सी एंड डी प्ले बैडमिंटन एंड टेनिस, सी एंड डी प्ले बैडमिंटन टेनिस. डी एंड ए फुटबॉल क्रिकेट एंड टेनिस, फुटबॉल क्रिकेट टेनिस. ओके पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ. सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, यस ये ट्रू है क्योंकि यहां पे क्रिकेट नहीं लिखा, दिस इज राइट. बी एंड डी बोथ प्ले टेनिस, नहीं बी टेनिस नहीं खेल रहा है, डी खेल रहा है तो ये गलत है. ए प्लेस फुटबॉल क्रिकेट एंड बैडमिंटन, नो ए बैडमिंटन नहीं खेल रहा है. ए बी एंड डी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ओके फुटबॉल एंड क्रिकेट, यस दैट्स राइट, फुटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट, यस. एक्सेप्ट बी ऑल प्ले टेनिस, एक्सेप्ट बी, ओके बी टेनिस नहीं खेल रहा है, ए भी टेनिस खेल रहा है, सी भी टेनिस और डी भी टेनिस खेल रहा है. ओके तो ई भी आपका राइट है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ विच इज ए डी एंड ई. विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? यू ओ
आई डैश ए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपको लिखा गया है, वावल्स लिखे हैं रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, ऐसे लिखा है ए ई आई ओ यू, तो आंसर होगा ऑप्शन ई। क्या होगा ऑप्शन राइट आंसर? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, ठीक है, ये हो गया यस्टरडे, ये है डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे क्या है फ्राइडे, देन वॉट विल बी द थर्ड डे आफ्टर टुमारो, तो ये हो गया टुमारो, टुमारो के बाद फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो आज ये फ्राइडे है, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ओके, थर्ड डे आफ्टर टुमारो, ये हो गया टुडे, ये हो गया टुमारो, और ये हो गया थर्ड डे, टुमारो के बाद फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ओके, तो यह हो गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ओके, ऑल टुगेदर मैं आपको एक और बार ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, बिट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। देखिए, डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, तो परसों के दिन फ्राइडे है, तो आज के दिन क्या हो गया संडे, राइट, विच इज टुडे, देन मैं आपको बोल रही हूँ, देन क्वेश्चन बता रहा है What will be the third day after tomorrow? तो ये हो गया tomorrow, ये हो गया day after tomorrow के बाद कितना third day, first, second, third, तो ये Sunday हो गया, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. लिजर्ड, रेप्टाइल, टेनिस कोर्ट, बुल, काउ, बॉटनी प्लांट, और इसको मैच करना है स्केटिंग रिंग, हीमोग्लोबिन, ब्लड, ईगल, बर्ड, विजर्ड, वॉच, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिजर्ड क्या है? लिजर्ड एक टाइप का रेप्टाइल है, और ईगल एक टाइप की बर्ड है। टेनिस को आप कोर्ट में खेलते हैं, स्केटिंग को आप रिंग में खेलते हैं, बुल का फीमेल होता है काउ, विजर्ड यानी जादूगर का फीमेल है जादूगरनी विच, बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स, तो फीमेल हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू ब्लड, तो इसका आंसर होगा 3142, ओके 3142 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 5, 14, 30, 50, 91, फाइंड द ऑड वन आउट, 1, 5, 14, 30, 50, 91, तो इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 16 का, तो 2 को हम क्या लिख सकते, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर, जो कि होना चाहिए 25। ओके, तो इन दोनों को आप ऐड करते तो यहाँ 55 मिलना चाहिए, और 55 अगर होता तो यहाँ पे होता 6 का स्क्वायर विच इज 36। तो जब आप 55 और 36 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 91। ओके, तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो 50 है, क्योंकि यहाँ पे 50 नहीं होना चाहिए था, ये रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है, यहाँ पे वो 55 होना चाहिए था। सो ऑड वन आउट इन द सीक्वेंस इज 50। उपनाया इन इंडियन लॉजिक करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिस्टोटेलियन सिलॉजिज्म? यहाँ पे राइट आंसर है माइनर प्रमाइस। माइनर प्रमाइस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फायर इज नॉट वॉर्म बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच एज वाटर। तो ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपकी फैलसीज इन इंडियन लॉजिक, जो कि है हेतु भाषा, यहां से रिलेटेड है। फायर इज नॉट वॉर्म बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच एज वाटर। तो यहाँ पे जो फैलेसी है वो है बाधित। देखिए, बाधित कभी भी अगर आपको आए ये वाला क्वेश्चन कि फायर इज कोल्ड, या आपको आए आइस इज हॉट, तो आपको क्या है, ये तो गलत है ना। फायर कभी कोल्ड नहीं हो सकता, आइस कभी हॉट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो फैलेसी आपकी है बाधिता है, बाधिता, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप ओवर पावर नहीं कर पा रहा। नॉर्मल आपको जो स्टेटमेंट है, यानी प्रमाणा से आपको पता है, प्रत्यक्ष से यानी आपने देख के छू के आपको पता चल गया है कि फायर इज नॉट कोल्ड, फायर इज वॉर्म, फायर इज हॉट। तो अगर कहीं भी ये स्टेटमेंट जो आपने देखा है अपनी आंखों से उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो वो होगी बाध्यता, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है आइस को, आपने टच करके देखा है कि आइस इज कोल्ड। तो अगर कोई आके आपको बोले आइस इज हॉट, तो आपको तो यकीन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रत्यक्ष उस चीज को फील किया है, तो ये होगी बाध्यता। द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नेम ऑफ नेम एंड एन ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय दैट नेम इज कॉल्ड, उस नॉलेज को हम कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन, तो द नॉलेज ऑफ रिलेशन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट डिनोटेड उसको उसको कहते हैं कंपैरिजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल हैज नॉट एक्सेप्टेड अनुमाना इज वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज? तो अनुमाना को किसने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो है आपका चार्वाक। चार्वाक स्कूल ने अनुमाना को एक्सेप्ट नहीं किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द पॉन्ड ऑफ वॉटर इज मडी, इट माइट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, वॉट काइंड ऑफ अनुमाना हैज बीन यूज इन द अबव स्टेटमेंट? तो यानी आपको अनुमाना तीन टाइप के, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टि। तो यहाँ पे क्या है, शेषवत कंपेरिजन, पूर्ववत बोध देहन भी, राइट? तो जब आपको किसी चीज के होने का पहले से आभास हो जाता है तो वो होता है पूर्ववत। ठीक है, जैसे आपने डार्क क्लाउड्स देखे आसमान में, आपको पता चल गया ओके डार्क क्लाउड्स हैं, यानी इसका मतलब है इट विल रेन। तो ये क्या, ये इसको कहते हैं पूर्ववत। एक चीज़ होती है शेषवत। शेषवत मतलब किसी चीज़ के होने के बाद आपको पता चले कि वो हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप रात में सो रहे थे, आप उठे और सुबह आपने देखा कि रोड पे पूरी जगह यू सी वाटर एवरीवेयर, या आप मड देख रहे हैं, तो आपको क्या पता चल गया कि ओके आप सारे पेड़ भी गीले हैं, आपके घर के बाहर भी पानी
पानी भरा हुआ है तो इसका मतलब है रेन, इट हैज रेन्ड, बारिश हुई है। तो ये जो अनुमान है इसको हम कहते हैं शेषवत अनुमान। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ इस सिचुएशन में द वॉटर ऑफ द पॉन्ड इज मडी, इट माइट हैव रेन लास्ट नाइट। तो यहाँ पे कौन सा अनुमान है? यहाँ पे शेषवत अनुमान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास हैज बीन एक्सेप्टेड बाय बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म स्कूल ने किसको एक्सेप्ट किया है? देखिए स्कूल्स दो टाइप के होते हैं आपके, ऑर्थोडॉक्स हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो वेदास में बिलीव करते हैं, और हेट्रोडॉक्स वो होते हैं जो वेदास में बिलीव नहीं करते। तो हेट्रोडॉक्स में आपका तीज आते हैं चरवाक, बुद्धिज्म और जैनिज्म, और ऑर्थोडॉक्स में कई सारे आते हैं न्याया, अद्वैत वेदांता, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऐसे 6 स्कूल्स हैं जो आपको ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। हेट्रोडॉक्स स्कूल में 3 स्कूल्स आते हैं, चरवाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो यहाँ पे जो बुद्धिज्म है वो कौन सा प्रमाण एक्सेप्ट करता है? तो बुद्धिज्म सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को एक्सेप्ट करता है। ओके, बुद्धिज्म किसको एक्सेप्ट करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पेंसिल्स आर पेन। ओके ओके, इफ सम पेंसिल्स आर पेन एंड सम पेंसिल्स आर पेन्स एंड नो पेंसिल इज अ शार्पनर, नो पेंसिल इज अ शार्पनर। तो आपको बताना है ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, नहीं ये करेक्ट नहीं है। सम शार्पनर्स आर पेंसिल्स, ये भी करेक्ट नहीं है। सम पेंसिल्स आर नॉट शार्पनर्स, ओके तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन सी। ओके, अगर मैं बोलूँ सम पेन्स आर नॉट शार्पनर्स, सम पेन्स आर नॉट शार्पनर्स, तो ये सही है क्योंकि पेन्स और शार्पनर में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। सी और ओके, ऑप्शन 20 राइट आंसर, क्वेश्चन 20 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सी ओनली। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने 2020 के लिए थे। आप मुझे बताइए कल मैं कौन सा टॉपिक लूँ, क्या मैं मैथमेटिकल लूँ, लॉजिकल या DI? ओके, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन सा टॉपिक मुझे कल लेना चाहिए सेशन के लिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आपके ये यूनिट्स जो आपको टफ लगते हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। ओके, so see you tomorrow students at the same timing, and we will discuss either mathematical or DI. okay, see you tomorrow, bye bye.